इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। मोदी को बंद करना था, 10 दिन का मौका दे देना चाहिए यूपी बिहार वालों को ना, चले जाओ अपने गांव, तब ट्रेन बंद करना चाहिए ना। और ये अब ये मजदूर जिस हाल में सड़कों पर जाते हुए दिख रहे हैं, लाठी डंडे खाकर भी घर जाने को तैयार बेचैन दिख रहे, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर दिल और खजाना खोल कर राहत और रकम का ऐलान करने की जरूरत है। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया। हम जैसे लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसने कहा था कि वायरस हिंदुस्तान में आके मुसलमान हो गया? क्या ये राजनीति का वक्त है? इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत और आप भी पूछिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मध्य प्रदेश घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों को जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो वे रेलवे ट्रैक पर ही पैदल घर जाने के लिए निकल गए। उन्हें नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर है। थकान इतनी थी कि नींद की वो झपकी आ गई, जिससे 16 मजदूर कभी जाग ही नहीं सके। मालगाड़ी की चपेट में आने से मरने वाले 16 मजदूरों को घर जाने के लिए तो ट्रेन नहीं मिली, पर अब उनके शवों को लेकर जाने के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया है। औरंगाबाद से घर वापसी की ओर कदम बढ़ा रहे ये प्रवासी मजदूर 35 किलोमीटर पैदल चले थे, मगर रास्ते में चलते चलते उन्हें थकावट महसूस हुई और पटरी पर ही झपकी लेने लगे। मगर उन्हें कहां पता था कि उनकी ये झपकी मौत में बदल जाएगी। इन मजदूरों की दर्दनाक मौत के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी एक रैली में गरीबों के बारे में क्या कहा था, जरा आप भी सुनिए। जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पर कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी ने रैली में मजदूरों से कहा था कि हम फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे, पर मोदी जी को असल गरीब, मजदूर, फकीरों की जिंदगी का भयानक सत्य नहीं पता था कि वो मजदूर जिनको सच में ही झोला लेकर अपनी कर्म भूमि से निकलकर अपने जन्म स्थान की ओर निकलना पड़ेगा, और वो भी बिना किसी यातायात की सहूलत के रेलवे लाइनों पर चलकर, जो रास्ते उनकी मंजिल की ओर नहीं बल्कि एक भय भय मौत के आपोश में ले जाएगा। एनडीटीवी ने अपने रिपोर्ट में ये दिखाया कि मजदूर को सड़कों की बजाय रेल पटरी से जाने को क्यों मजबूर होना पड़ा। वहाँ से भी पैदल चल चल करके हम लोग का डर है कि इधर पटरी से जाए तो इधर से धक्के है, डरे है, उधर भी जाओ तो डरे है। इधर हम तो हम लोग गरीब आदमी को बचना है नहीं। इस वजह से हम लोग जो पटरी मिला है सीधा, तो हम लोग सीधा ही चला। अभी काम ही नहीं है, रहने का खाना भी नहीं मिलता है उधर सरकारी में। हम लोग को राशन विशन खाली खिचड़ी मिलता है, कितना खाएंगे? परेशानी होती है सर, पैर में फोका उका हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा, हो जाता है। रुकने का सर साधन नहीं है, कोई काम नहीं है, क्या करे, मजबूरी है। भूखा कितना दिन रहेगा आदमी, खाली खिचड़ी खा के। सरकार को राशन देना चाहिए तो कार्ड धारी को देता, हम लोग को तो देता नहीं है। मार रही है पुलिस वाले, गाय की तरह मार रही है, कि कोई ऐसे मारना चाहिए इंसान को? अगर मोदी को बंद करना था तो 10 दिन का मौका दे देना चाहिए यूपी बिहार वालों को ना, चले जाओ अपने गांव, तब ट्रेन बंद करना चाहिए ना। कन्हैया कुमार ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि कोरोना से समाज के एक बड़े तबके की बुरी तरह से प्रभावित किया है, खासकर गरीबों मजदूरों के लिए ये जीने मरने का सवाल बन चुका है। अपने घर लौटने की जद्दोजहद में लगातार मजदूरों की जान जा रही है। सत्ता व समाज को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, वरना मानवता की हमारी सारी दलीलें खोखली साबित होंगी। इन मजदूरों की भयानक मौत से क्या सरकारें सबक लेंगी? क्या सरकार अभी भी आंख मूंद कर बैठी रहेंगी? ये मजदूर इकोनॉमी को चलाने में सहायक हैं, और सरकार ये जानते हुए भी इन्हें कोई सहूलत नहीं दे रही। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने मजदूरों की मौत पर मोदी जी से कुछ तीखे सवाल किए हैं, जरा आप भी सुनिए। बहुत त्रासद खबर है, सोचते बोलते और आपको बताते हुए रोंगटे खड़े। इस खबर की सूचना प्रधानमंत्री को मिली, उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है पीयूष गोयल से वो जानकारी ले रहे हैं, सब कुछ सही। लेकिन इसके साथ अब मैं प्रधानमंत्री मोदी से एक अपील करना चाहूं। जैसे आपने देश में 2 बार अपील की, ताली थाली और शंख बजाने की आपने अपील की, संबोधन किया देश को, संबोधित किया,
आपने दूसरी बार संबोधित किया दीप दिए मोमबत्ती जलाने को लेकर, और पूरा देश का मध्यम वर्ग अपने छज्जे पर, अपनी बालकनी में, अपने पार्क में और लॉन में ये सब किया उन्होंने, लेकिन उसमें मजदूर नहीं थे सर। और ये अब ये मजदूर जिस हाल में सड़कों पर जाते हुए दिख रहे हैं, लाठी डंडे खाकर भी घर जाने को तैयार बेचैन दिख रहे, अब इन मजदूरों के लिए आपको आज तत्काल सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपातकालीन बैठक करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसे भी आप करते हैं, इन सब के लिए बड़े पैमाने पर दिल और खजाना खोलकर राहत और रकम का ऐलान करने की जरूरत है। मीडिया भी सरकार से सवाल करने में हिचकिचाता है, आखिर क्यों? मीडिया का काम ये था कि सरकार ने गरीबों के लिए जो पैकेज अनाउंस किए हैं, क्या उनका लाभ सब तक पहुंच रहा है या नहीं? सरकार ने जो सहूलताएं देने को कहा है, क्या वो इन गरीब मजदूरों तक पहुंच रही हैं या नहीं? आज का मीडिया तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे में मगन है। कोई इस्लाम और जिहाद में फर्क ढूंढ रहा है, तो कोई मौलाना को सजा क्यों नहीं हुई, इस पर बार बार सवाल पूछने में लगा है। तो हम बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कैसे मौलाना साध को अब विक्टिम बताकर, मुसलमान बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है। हम जैसे लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। किसने कहा था कि वायरस हिंदुस्तान में आके मुसलमान हो गया? अजीम शायर मुनव्वर राणा ने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या वो राजनीति नहीं है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने मौलाना साध, कोरोना फैलाने वाले मौलाना की आलोचना से इनकार कर दिया? क्या वो हिंदू मुसलमान करना नहीं है? लेकिन बात आई है भारत माता की जय पर। भारत माता की जय इसलिए क्योंकि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, किसी भी शब्द पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई, ये एक हादसा था, लेकिन जो लोग मौत में भी राजनीतिक मुद्दा तलाशते हैं, वो इस हादसे पर भी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि लॉकडाउन ना होता तो दुर्घटना ना होती। सवाल उठाना सबका धर्म है, लेकिन क्या ये मौका सियासत करने का है? क्या ये राजनीति का वक्त है? इसलिए मेरे साथ आज पूछता है भारत, और आप भी पूछिए कि विरोध के नाम पर विपक्ष हादसे को मुद्दा क्यों बना रही है, राजनीतिक मुद्दा। अब हम आपको जिहाद और इस्लाम का वो सही अर्थ दिखाना चाहते हैं जिससे हमारे देश के मुसलमानों को और आप सबको हमेशा दूर रखा गया है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता, इस्लाम भी नहीं देता। इसलिए किसी भी मजहब के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें उसके सिद्धांतों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जिहाद को इस्लाम का छठा स्तंभ माना जाता है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। पर कोई मीडिया इस पर डिबेट कर सरकार के नुमाइंदों से ये सवाल नहीं करता कि इन मजदूरों के लिए आप क्या कर रहे हैं? मजदूर को आप सहूलतें क्यों नहीं दे पा रहे जिससे वो जहां हैं वहीं रह पाए? खैर, ये सवाल मीडिया पूछे या ना पूछे, हम तो सरकार से लगातार पूछते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.